हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एकदम आसान तरीके से नाश्ता की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, यकीन माने अगर आपने एक बार ये नाश्ता की रेसिपी बना करके खा ली ना, तो आप कचौरी समोसा खाना भी भूल जाएंगी। तो चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं। तो यहाँ हमने गैस के ऊपर एक पैन रख दिया, तो उसमें डाल दिया थोड़ा सा तेल। तेल गर्म हो जाए उसके बाद डाल दिया थोड़ा सा जीरा। जीरा अच्छा सा चटक जाए उसके बाद डाल दिया हमने इसमें प्याज। प्याज के साथ में डाल दें इसमें हरी मटर। तो प्याज और हरी मटर को थोड़ी देर तेल में इसी तरीके से चला लेंगे, तो मटर भी हमारी अच्छे से पक जाएंगे प्याज के साथ में ही। प्याज और हरी मटर पक जाए उसके बाद में डालेंगे इसमें मसाले। तो ये हमने थोड़ा से डाले इसमें लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और साथ में डाल दिया था स्वाद अनुसार नमक। तो मसाले को एक बार इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हम थोड़ी देर के लिए मसालों को अच्छे से पका लेंगे। तो मसाले अच्छे से हमारे पक जाएंगे और साथ ही में हम इस तरीके से देखें, किसी भी चम्मच से आप इनको इस तरीके से मैश कर लें मटर को। तो यहाँ देख सकते हैं मसाले भी हमारे अच्छे से पक चुके हैं। तो अब इसमें डाल देंगे हम उबला हुआ आलू। तो यहाँ हमने आलू को कद्दूकस कर लिया था, तो यहाँ हमने 3 उबले हुए आलू लिए थे, तो उसको इस तरीके से हमने कद्दूकस कर लिए थे। तब आलू को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आलू को मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ी देर अच्छे से पका लेंगे, तो आलू भी मसालों में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस नाश्ते के लिए फिलिंग बना करके तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप अगर इस तरीके से एक बार फिलिंग बना करके देखिए, बहुत ही टेस्टी लगती है और इस नाश्ते में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये देख सकते हैं फिलिंग हमारी बन करके तैयार हो गई है। तो हमने इससे थोड़ी देर पका लिया था, तो देखिए फिलिंग हमारी अच्छे से पक करके तैयार हो गई है। तो यहाँ देखिए फिलिंग हमारी बन करके तैयार हो गई है। तो अब इसमें डाल देंगे बारीक काट करके हरा धनिया। तो हरा धनिया डालने के बाद में हम फिलिंग को किसी अलग बर्तन में निकाल करके इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे साइड में। तो फ्रेंड्स, आप एक बार इस तरीके से ज़रूर से बना करके ट्राई करना, ये वाली फिलिंग बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ हम इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। तो यहाँ हमने फिर से वही पैन लिया है, तो इसमें डाल देंगे थोड़ा सा तेल। तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद में डाल देंगे इसमें थोड़ा सा जीरा। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ हमने इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। जीरा को हल्का सा चटकने देंगे, उसके बाद डाल देंगे इसमें हम 1 गिलास सूजी। तो हमने इसमें नाप करके लिए 1 गिलास सूजी डाल दी है, और इसी के साथ में डाल देंगे हम इसी गिलास से नाप करके 1/2 गिलास आटा। तो हम पहले सूजी और आटे को अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं सूजी और आटा हमने अच्छे से मिला लिया है। तो अब इसमें डाल देंगे हम 2 गिलास पानी। तो हमने 1 गिलास सूजी लिया, तो उसी के साथ में डाल देंगे हम 2 गिलास पानी। तो यहाँ देख सकते हैं हमने 2 गिलास पानी डाल दिया और सूजी और आटे को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कि हमने गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखा है और सूजी और आटे को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं सूजी और आटा हमारा अच्छे से मिल गया है। तो जैसे जैसे हम इसको पकाते जाएंगे, तो एक डो के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ इसका एक डो बन करके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हमने आटे को और सूजी को थोड़ी देर पका लिया, तो देखिए सूजी और आटे का एक डो बन करके तैयार हो गया है। तो यह हमने एक प्लेट में तेल लगा करके रख दिया था, तो इसी में इस डो को हम निकाल लेंगे और इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम इसको इस तरीके से अच्छे से हाथों से मसल लेंगे। तो यहाँ देखिए इस तरीके से जब आटा हमारा अच्छे से ठंडा हो जाए, उसके बाद हम आटे को इस तरीके से इकट्ठा कर लेंगे, इसका एक डो बना करके तैयार कर लेंगे और इसी में से एक छोटी सी लोई बना लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए पहले हमने लोई बना ली थी, इसको इस तरीके से हाथ से चपटा कर लेंगे और बीच में इसमें फिलिंग रख देंगे जो हमने आलू की बना करके तैयार की थी। तो फिलिंग रखने के बाद में हम इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। तो हमें इसको अच्छे से पैक करना है। यहाँ देख सकते हैं कितनी आसान तरीके से हमने इसको बना करके तैयार कर लिया। तो देख सकते हैं इस तरीके से हम इस सारी को बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल भी फटा नहीं है, बहुत ही अच्छे से बन करके तैयार हुआ है। तो इसी तरीके से हम सारे नाश्ते को बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ देखिए नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो यहाँ देखिए तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब इसको डाल देंगे हम तेल में। यहाँ एक एक करके हम इसको तेल में डालते जाएंगे। और यहाँ इस नाश्ते को पकाने के लिए हमें गैस की फ्लेम को हाई रखना है,
तभी नाश्ता हमारा अच्छे से पक कर के तैयार होगा। तो हम नाश्ते को अच्छे से पकने देंगे। जब एक साइड से नाश्ता हल्का सा सिक जाए उसके बाद हम इसको दूसरी साइड से पलट करके दूसरी साइड से भी सेक लेंगे और इसी तरीके से हम इसको अलटते पलटते अच्छे से सेक लेंगे। तो ये हमने इस नाश्ते को हाई फ्लेम पर ही सेका है तभी हमारा नाश्ता अच्छे से पकेगा और ये नाश्ता तेल भी बिल्कुल नहीं पिएगा। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं धीरे धीरे हमारे नाश्ते का कलर चेंज होता जा रहा है। तो इसी तरीके से हमें इस नाश्ते को पका करके तैयार करना है। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट, अगर रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो सब्सक्राइब करने में सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ देखिए नाश्ता हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब एक एक करके हम नाश्ते को निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितने कम समय में और कितने आसान तरीके से ये हमारा नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। घर के ही सामान से हमारा ये नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। तो देख सकते हैं कितना टेस्टी हमारा नाश्ता बन करके तैयार हुआ है। तो ये देखिए हम आपको तोड़कर भी दिखाते हैं, अंदर से भी हमारा नाश्ता बहुत ही अच्छे से पक करके तैयार हुआ है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा नाश्ता है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। तो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे ठंडी रोटी से नाश्ता। तो आपके घर में अगर कभी ठंडी रोटी बच जाए तो आप इस तरीके से नाश्ता बना करके खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं रेसिपी। तो यहाँ देखिए हमने एक रोटी ली है, तो पहले हम रोटी को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ देखिए रोटी को हमने फोल्ड कर लिया, अब उसके बाद में हम कैंची से इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। तो इसी तरीके से हमें जितनी भी रोटी का नाश्ता बनाना होगा उतनी रोटी को हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं रोटी के लच्छे बन करके तैयार हो गए हैं। तो यहाँ देखिए हमने रोटी को कट कर लिया है। रोटी को कट करने के बाद में जो लच्छे हमने तैयार किए थे इनको इस तरीके से एक एक कर लेंगे और इसको एक बाउल में डाल देंगे। तो यहाँ देखिए हमने लच्छों को बाउल में डाल दिया। अब इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मेथी और साथ में डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे और इसमें डाल देंगे हम 2 चम्मच बेसन। अब इसको पहले अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ देखिए हमने बेसन को इसमें अच्छे से मिला लिया। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है। पानी डाल करके हम इसको फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने थोड़ा सा पानी डाला, उससे रोटी में बेसन अच्छे से कोट हो जाएगा। तो अब इसको रख देंगे हम साइड में। और यहाँ देखिए हमने लिए आलू, तो ये हमने उबले हुए आलू लिए। तो सबसे पहले हम आलू को कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहे तो इसको मैश भी कर सकते हैं पोटैटो मैश से, लेकिन हमने देखे यहाँ बारीक वाली जाली ली है, इससे कद्दूकस कर लिया है। तो इसी तरीके से हम सारे आलू को कद्दूकस करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ देखिए आलू को हमने कद्दूकस कर लिया। अब इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए प्याज। तो यह हमने एक बारीक कट करके इसमें प्याज डाल दिया है। अब उसी के साथ में डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मेथी और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को पहले हम अच्छे से मिला लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ देखिए हमने सारी चीज़ों को पहले अच्छे से मिला लिया है। मिलाने के बाद में हम इसके इस तरीके से रोल बना लेंगे। तो यहाँ देखिए हमने लिया है थोड़ा सा पनीर, तो पनीर को हम पतले पतले स्लाइस में इस तरीके से कट कर लेंगे। आलू के मसाले के बीच में हम रख देंगे पनीर और पनीर को रखने के बाद में इसको अच्छे से पैक कर लेंगे इस तरीके से। तो ये हमने इसको सिलेंडर शेप में बना करके तैयार कर लिया है नाश्ते को। तो यहाँ देखिए नाश्ते को हमने इस तरीके से बना करके तैयार कर लिया है। तो देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा नाश्ता बन करके तैयार हुआ है। तो इसी तरीके से हमने सारे नाश्ते को बना करके तैयार कर लिया है। तो यहाँ देखिए नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है।
तो अब एक छोटी सी तैयारी और कर लेते हैं। तो ये हमने एक कटोरी में लिया मैदा, तो मैदा में पानी डाल करके इसको अच्छे से घोल लेंगे। तो इसका एक पतला सा घोल बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक घोल बना करके तैयार कर लिया है। तो अब जो हमने नाश्ता बनाया था, पहले हम मैदा के घोल में इसको अच्छे से टिप कर लेंगे इस तरीके से। मैदा के घोल में इसको अच्छे से टिप कर लेंगे। उसके बाद जो हमने रोटी तैयार करके रखी थी उसमें इसको अच्छे से कोट कर लेंगे इस तरीके से। तो नाश्ते के हमें रोटी को इस तरीके से अच्छे से लपेटना है। तो यह देखिए रोटी को कोट करने के बाद में हमने इसको हल्के हल्के हाथों से दबा लिया था। तो ये देखिए नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से हमें सारे नाश्ते को बना करके तैयार करना है। तो ये देखिए नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो अब चलते हैं नाश्ते को फ्राई करने के लिए। तो यह देखिए तेल को हमने पहले अच्छे से गर्म कर लिया था, उसके बाद डाल देंगे हम इसमें एक एक करके नाश्ते को। तो जितना भी पैन में आएगा उतना हम इसमें एक बार में नाश्ते को डाल देंगे। तो यहाँ देखिए नाश्ता एक साइड से हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब इसको हम दूसरी साइड पलट लेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हम नाश्ते को अलटते पलटते अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ठंडी रोटी से कितना टेस्टी नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। तो नाश्ता हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब एक एक करके नाश्ते को निकाल लेंगे बाहर। तो ये हमने इसी तरीके से सारे नाश्ते को फ्राई कर लिया है। तो ये देखिए ये हमारा नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आप इसको टमाटो केचप के साथ या फिर हरी चटनी के साथ सर्व कर। हेलो गाइज, वेलकम आपका यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे एकदम अलग और नए तरीके से नाश्ता। ना इसमें हम सूजी डालेंगे ना ही मैदा, फिर भी हमारा नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनेगा। आज के नाश्ते में हम एक सीक्रेट चीज़ डाल करके बनाएंगे, तो उससे नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपके अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने देखिए बाउल में गेहूं का आटा लिया है। तो आटे में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और साथ में डाल देंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। और अब इसमें पानी डाल करके इसको पहले अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ इसका हमें पतला से एक बैटर बना करके तैयार करना है। तो ना ज़्यादा पतला हो ना ही ज़्यादा गाढ़ा, इस तरीके का ये बैटर बना करके हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला है और ये हमारा बैटर बन करके तैयार हो गया है। तो अब इसमें डालेंगे हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो यहाँ धनिया को भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा बैटर बन करके तैयार हो गया। तब इसको हम रख देंगे साइड में, रागे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमने 3 उबले हुए आलू लिए हैं। तो आलू को हम कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करिए, मैश करने से क्या है इसमें गुठलियाँ रह जाएंगे तो नाश्ता हमारा अच्छे से नहीं बनेगा। तो इस तरीके से देखिए हमने तीनों आलू को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हम बारीक कटा हुआ प्याज। आप इसमें सब्जी अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम बारीक कटा हुआ धनिया और साथ में डाल दिए बारीक कटी हुई हरी मिर्च। और यहाँ हमने डाला है इसमें पोहा। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और अब डालेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी डालेंगे इसमें हल्दी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हम सारी चीज़ों को इसमें अच्छे से मिला लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। तो अब आप नाश्ते का शेप अपने हिसाब से बना सकते हैं, जैसा भी, जैसे कि आप इसकी टिक्की भी बना सकते हैं। तो आज हम इसकी टिक्की नहीं बनाएंगे, इस तरीके से इसको लंबे लंबे शेप में इस नाश्ते को बना लेंगे।
तो हमें इसी तरीके से सारे नाश्ते को बना करके तैयार करना है। तो यहाँ देखिए हमें इसके एक रोल बना लिया है, इसी तरीके से हम सारे नाश्ते बना करके तैयार कर लेंगे। तो यह देखिए हमने सारे नाश्ते को बना करके तैयार कर लिया। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, अगर रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तब चलते हैं नाश्ते को फ्राई करने के लिए। तो पहले हम जो नाश्ता बनाया ना, उसको जो हमने आटे का घोल बनाया था ना, उसमें अच्छे से इसको टिप कर लेंगे इस तरीके से। और अब चलते हैं इसको फ्राई करने के लिए। तो यहाँ देखिए फ्राई करने के लिए तेल हमने पहले अच्छे से गरम कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने नाश्ता बना करके तैयार किया था। तो एक एक करके जितना भी हमारे पैन में नाश्ता आएगा ना, उतना हम इसमें डाल देंगे। और इसको अच्छे से, जब हमारा नाश्ता एक साइड से अच्छे से सिक जाएगा, तब हम इसको दूसरी साइड से पलट करके दोनों साइड से इसको अच्छे से सेक लेंगे। तो इस तरीके से देखिए कितने कम समय में हमारे ये नाश्ता बन करके तैयार हो गया। तो आपको अगर कभी भी जल्दबाजी में कोई नाश्ता बनाना, तो आप इस नाश्ते को एक बार ज़रूर से ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगा और बच्चों को भी ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। यहाँ देखिए नाश्ता भी हमारा अच्छे से सीख चुका है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं, और जो बाकी का बचा हुआ नाश्ता ना, उसको भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, अगर रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो यहाँ देखिए हमने जो बचा हुआ नाश्ता था उसको भी हमने पैन में डाल दिया, और इसको भी हम अच्छे से सेक लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आते हैं रेसिपी। तो यहाँ देखिए गैस के ऊपर रख दिया हमने पैन, इसमें डाल दिया थोड़ा सा तेल, तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, उसके बाद में डालेंगे इसमें जीरा। तो यहाँ देखिए तेल अच्छे से गर्म हो गया, तो इसमें डाल देंगे हम जीरा, और अब इसमें डाल देंगे एक गिलास सूजी। गैस की फ्लेम को हमने कम कर दिया है, सूजी को इसमें डाल देंगे। सूजी डालने के बाद में सूजी को तेल में इस तरीके से अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं सूजी तेल में अच्छे से मिक्स हो गए। तो अब इसमें डाल देंगे पानी, हमने जिस गिलास से नाप करके सूजी ली थी उसी गिलास से हम दो गिलास इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ देखिए एक गिलास पानी डाल दिया हम इसमें, एक गिलास पानी और डाल देंगे। देखिए हमने यहाँ दो गिलास पानी डाल दिया है, एक गिलास सूजी लेंगे तो उसमें हमें दो गिलास पानी डालना है। तो सूजी को पहले इसमें अच्छे से मिला लेंगे, और अब इसमें डाल देंगे कुटी हुई थोड़ी सी लाल मिर्च, और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। और अब डाल देंगे इसमें बारीक कटी हुई हरी मेथी। तो सारी चीज़ों को इसमें अच्छे से मिला लेंगे। तो देख सकते हैं सूजी बहुत ही जल्दी गाढ़ी होने लग जाती है, तो ये सारे प्रोसेस हमें थोड़े जल्दी करने होते हैं। तो यहाँ देखिए मेथी को हमने सूजी में अच्छे से मिक्स कर ली है। तो यहाँ देख सकते हैं सूजी का एक डो बन करके तैयार हो गया है। तो सूजी इस तरीके से डो के फॉर्म में आ जाए, तब तक ही हमें सूजी को पकाना है। सूजी भी हमारी अच्छे से पक गई है, तो अब गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ देखिए हमने गैस को बंद कर दिया है, तो यहाँ हमने गैस को बंद कर दिया और इसको ढक करके इसी तरीके से थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे। यहाँ हमने इसको एक मिनट के लिए छोड़ दिया था, तो एक मिनट के बाद हम चेक करेंगे। तो ये देखिए हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ना, तो इसको पैन के से देखिए बिल्कुल सूजी छूटने लग जाती है। तो देखिए कितने अच्छे से हमारा डो बन करके ये तैयार हो गया है। तो ये देखिए थोड़ा हल्का ये ठंडा भी हो गया है, तब इसको हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमने इसको दूसरे बर्तन में निकाल लिया, अब इसको इस तरीके से हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो इसका एक सॉफ्ट सा डो बन करके तैयार हो जाएगा। तो यह देखिए हमने सूजी के आटे को इकट्ठा कर लिया है, अब इसके हम बोल्स बना लेंगे।
तो हम थोड़ा सा सूजी का आटा लेंगे और इसके इस तरीके से बोल्स बना लेंगे। तो यहाँ देखिए इस तरीके से गोल गोल करते हुए इसका बोल्स बना लेंगे। बोल्स बनाने के बाद में इसके बीच में इस तरीके से होल कर देंगे। यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से हमें नाश्ते के बीच में होल करना है। और ये देखिए ये हमारा नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से हम सारी नाश्ते को बना करके तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरा नाश्ते को बना लेंगे। पहले इसको इस तरीके से हाथ से गोल गोल कर लेंगे तो इसका अच्छा सा एक शेप बन करके तैयार हो जाएगा। तो देखिए नाश्ता ये हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो अब इसके बीच में एक होल कर देंगे। होल करने से क्या है नाश्ता हमारा अच्छे सिक जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमें होल करना है। ये देखिए ये भी हमारा नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। तो यहाँ हम इस तरीके से सारे नाश्ते को बना करके तैयार कर लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए हमने सारे नाश्ते को बना करके तैयार कर लिया। तो फ्रेंड्स रेसिपी थोड़ी सी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो अब चलते हैं छोटी सी तैयारी और कर लेते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ हमने गैस के ऊपर रख दिया एक पैन और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा तेल। यहाँ देखिए बिल्कुल, तो यहाँ देखिए हमने इसमें थोड़ा सा तेल डाला है। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो यहाँ देखिए तेल गर्म हो गया, अब इसमें डाल देंगे हम तिल और इसमें डाल देंगे जो हमने नाश्ता बना करके तैयार किया था। एक एक करके नाश्ते को इस तरीके से हम रखते जाएंगे इसमें। तो देखिए हमने नाश्ते को रख दिया, जो हमने पहले तिल डाले थे वो सारे तिल देखिए जल गए। तब इसमें हम थोड़े से तिल और डाल देंगे ऊपर से नाश्ते के ऊपर। तो इस तरीके से हम इनको चारों तरफ से अलटते पलटते अच्छे से नाश्ते को सेक लेंगे। तो बहुत कम समय में और बहुत ही कम तेल में ये वाला नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। तो यह देखिए इस तरीके से हमने नाश्ते को अलटते पलटते अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो नाश्ते को हमें इतना ही फ्राई करना है। तो ये देखिए नाश्ता हमारा पहले से ही पका हुआ है। तो नाश्ता हमारा अच्छे से पक चुका है। तो अब चलते हैं इसको सर्व करने के लिए। तो देखिए नाश्ता हमारा बिल्कुल अच्छे से पक करके तैयार हो गया है फ्रेंड्स। तो ये देखिए ये हमारा नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं कितने कम तेल में हमारा ये नाश्ता बनकर के तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।